आज का दंगल राजनीति में बदजुबानी से जुड़ी कहानियों पर है। मामला यह है कि बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से राहुल गांधी का एक विकृत पोस्टर पोस्ट किया गया। राहुल को रावण लिखा गया और उन्हें धर्म और श्रीराम का विरोधी करार दिया गया। कांग्रेस इसके विरोध में देश भर में सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है कि राहुल को रावण लिखकर उनकी जान को खतरा पैदा किया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के नेता ने जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी नेताओं पर केस भी दर्ज करा दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर दोनों ही दल एक दूसरे के शीर्ष नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक के तरह तरह के कार्टून पोस्टर वगैरह डालकर राजनीतिक हमले करते रहे हैं। केरल कांग्रेस ने पीएम मोदी का एक पोस्टर जारी किया है और उन्हें मोदी बिन तुगलक लिख दिया है। सोशल मीडिया पर यह सांकेतिक लड़ाई दरअसल सांप्रदायिक रंग लिए हुए है। यही वजह है कि एक तरफ पीएम को तुगलक करार दिया जा रहा है तो राहुल को धर्म विरोधी और राम विरोधी। कांग्रेस ने इस पर सख्त एतराज जताया है। खुद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को राजनीति में शुचिता की शपथ की याद दिलाई है। जबकि दूसरी तरफ मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी की मान्यता ही खत्म करने की मांग कर डाली है। हालांकि राजनीति में बदजुबानी की कहानी कोई नई नहीं है। पिछले ही संसद में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को रावण कहा था, रावण से उनकी तुलना की थी। उससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री को 100 सिरों वाला रावण गुजरात के इलेक्शन के दौरान बोल चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति में शुचिता की बात करने वाले दल और नेता ही बदजुबानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं? क्या बीजेपी की ओर से पोस्ट किए गए पोस्टर से राहुल गांधी की जान को खतरा पैदा हो सकता है? और जैसा कि विपक्षी दलों का आरोप है कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता से घबराकर बीजेपी कम्युनल एजेंडा की राजनीति कर रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर केस दर्ज कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से जयपुर तक और गुजरात से जम्मू और दूर दक्षिण केरल तक कांग्रेस पार्टी नाराज है। सड़कों पर उतरकर बीजेपी का विरोध कर रही है, पुतले जला रही है, नारे लगा रही है। कौन राम के साथ है, कौन रावण के साथ है, कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्म के साथ है, कौन अपने पूर्वजों की विरासत के साथ है और कौन उनके पूर्वजों की विरासत के साथ है, जनता को दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से राहुल जी का उपहास भाजपा ने अपने ऑफिशियल हैंडल से उड़ाया है, ये चौथे दर्जे की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है बीजेपी ने राहुल गांधी की तस्वीरों का विकृत चित्रण करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। उनको बदनाम न करे, राहुल गांधी वो मसीहा है जो दुख में सुख में लोगों के बीच में खड़ा है। तमाम हरकतों में फेल होने के बाद अब वो घटिया और घिनौनी हरकतों पे आए हैं। इन पोस्टों से नहीं कुछ होगा, लेकिन देश का लोकतंत्र दुनिया में हास्यपद बनेगा। देश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी मुकाबले की लड़ाई सोशल मीडिया में हमेशा छाई रही है। एक दूसरे के बड़े नेताओं के खिलाफ दोनों दल सोशल मीडिया पर एक से एक पोस्टर से लेकर कार्टून तक डालते रहे हैं। इन पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। इस बार मामले में एक बार फिर राजनीति का रावण घुसाया। बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक ऐसा पोस्टर प्रचारित किया गया जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बढ़ी हुई बाल दाढ़ी वाली तस्वीर के साथ सात और सिर लगाकर रावण लिखा गया। पोस्टर के ऊपर लिखा है, नए युग का रावण यहाँ है, ये दुष्ट है, धर्म विरोधी है। बीजेपी ने आगे लिखा, राम विरोधी है, इसका लक्ष्य भारत का विनाश है। वैसे तो दोनों ही दल एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ ऐसे पोस्टर पहले भी जारी करते रहे। इस बार राहुल गांधी को रावण लिखने पर कांग्रेस पार्टी ने सख्त एतराज जताया। पहले जयराम रमेश ने बीजेपी की पोस्ट पर एतराज जताकर सवाल उठाया कि ऐसा करके बीजेपी ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया है। और ये हवाला भी जयराम रमेश ने दिया कि राहुल के पिता और दादी की हत्या भारत विरोधी ताकतें कर चुकी हैं। फिर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी का जिक्र किया। राजनीति में शुचिता की शपथ की याद दिलाते हुए बीजेपी की पोस्ट पर आपत्ति जताई। जान को खतरा तो एसपीजी हटाई उन्होंने, और जिसके दादी और जिसका पिता गोलियों से बम से उनका शरीर छलनी कर दिया गया, चितरे चितरे उड़ा दिए गए, तो शंका तो पूरी है ही कि कुछ भी हो सकता है राहुल गांधी के साथ में।
कांग्रेस पार्टी ने 1945 में छपे एक कार्टून की तस्वीर साझा करते हुए आरोप लगाए कि सावरकर के निशाने पर तब भी गांधी थे, आज भी बीजेपी के निशाने पर गांधी ही हैं। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोड़ से पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता। हालांकि भारत की राजनीति में रावण की दखल पहले भी कई बार हो चुकी है। गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को 100 सिरों वाले रावण की तरह बताया था, तब भी सियासत में शुचिता का सवाल उठा था, और ये सवाल तब भी उठा था जब पिछले महीने लोकसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। सियासत में बदजुबानी का सिलसिला थमता नहीं, हर दल एक दूसरे के ऊपर आपत्तिजनक भाषा और व्यवहार का प्रदर्शन करते रहे, लेकिन जब मौसम चुनाव का है तो राजनीति में शालीनता की अंतहीन बहस छिड़ जाती है। आज तक ब्यूरो।